हरिओम दिव्यवाणी कार्यक्रम जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं आपके राशिफल यानी आज का दिन आपका कैसा रहेगा, आपके भाग्य की सुई क्या इशारा करती है आज के दिन के लिए, और आज का पंचांग की भी चर्चा करते हैं कि आज के दिन में किस मुहूर्त में कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, किस दिशा में जानी है, किस दिशा में नहीं जानी है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आज जिनका जन्मदिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन सबों को बहुत बहुत शुभकामना, विशेष रूप से उन्हें बहुत शुभ आशीर्वाद। और एक स्मरण करा दूं, यदि मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस निर्बाध रूप से आपको मिलती रहे और आप इसका आनंद उठाते रहें। तो आइए आज चर्चा करते हैं 5 जुलाई दिन सोमवार की योगिनी एकादशी की शुभकामना देना चाहूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी और ऊपर से आज योगिनी एकादशी, भगवान की अनुकंपा हम सबों पर, आप सबों पर, पूरे परिवार पर पड़ती रहे, आनंदित रहे। तो विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि है, रात्रि 10:41 तक रहेगा, उसके उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी। भरणी नक्षत्र दिन के 1:33 और तदुपरांत कृतिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में ही संचरण कर रहे हैं और आज के दिन की शुभता बढ़ा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग काफी महत्व बढ़ जाता है आज का दिन का। अभिजीत मुहूर्त जिसकी चर्चा मैं विशेष रूप से प्रतिदिन करता हूँ, अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य या चिरकाल तक शुभ फल देने वाला होता है, मधुर फल देने वाला होता है, सकारात्मक फल देने वाला होता है, जो कि आज 11:58 से 12:54 अपराह्न तक रहेगा, इसका हम लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत राहु काल 7:30 से 9 या 1.5 घंटे का कालखंड, प्रतिदिन हमें किसी 1.5 घंटे का कालखंड मिलता है, जो आज 7:30 से 9 तक है, राहु काल के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य शुभ फलदायी नहीं होता है, इसमें किसी यात्रा का प्रारंभ या शुभ कार्य का प्रारंभ करना नहीं चाहिए। और यह भी बताऊं कि आज आपको पूर्व दिशा और अग्नि दिशा की यात्रा करना नहीं चाहिए, टाल दें। यदि बिल्कुल नहीं टाला जा सकता है, ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, अति अनिवार्य है, तो दर्पण में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए 12 राशि की चर्चा करूं। सर्वप्रथम मेष राशि, दिन ऊर्जा पूर्ण व्यतीत होगा, सारा दिन जोश खरोश ऊर्जावान होकर मस्ती के साथ, आनंद के साथ, जोश और खरोश के साथ आज का दिन व्यतीत होगा। और वृषभ राशि वालों को बताऊं कि विदेश से लाभ होना है, आप विदेश में रहते हो, किसी प्रकार का कोई संबंध आपका कि अपने किसी व्यवसाय से है, कोई व्यवसाय आपको विदेश से संबंध रखता हो, तो उससे आपको धन लाभ होने की आशा दिखती है। जबकि मिथुन राशि वालों को बताऊं कि जो भी आपके कार्य अटके हुए थे, जो योजनाएं आपने बना के रखी थी और वो संपादित नहीं हो पा रहा था, अटक से गए, सारे कार्य आपके संपन्न होने वाले हैं, ध्यान लगाकर पुरुषार्थ के साथ एक एक करके आप करें, सारा कार्य आपका आज सिद्ध हो जाएगा। कर्क राशि वालों को बताना चाहूं, नौकरी में पदोन्नति होनी है आपको, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत तपस्या के बाद यह स्थिति बनती है, तो नौकरी में पदोन्नति होगी। जबकि सिंह राशि वालों को बताऊं कि आध्यात्मिक उन्नति के अच्छे अवसर है, थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप दीक्षित हैं, आपके गुरु महाराज ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, जो सिखलाए हैं उन्होंने, उसका पालन करें निष्ठापूर्वक। जो दीक्षित नहीं भी है, जिस प्रकार से तपस्वी योगी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा तपश्चर्या में लगे रहते हैं, तप में लगे रहते हैं, आपको भी आध्यात्मिक उन्नति की अपनी चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन ही मोक्ष का द्वार है, यहीं पर हम आध्यात्मिक उन्नति करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामना आपको भी। और कन्या राशि की बारी आती है, तो मैं बताऊं कि कन्या राशि वालों को प्राण शक्ति का संचार होगा, आयुष्य वृद्धि होगी आपकी, यह भी बहुत अच्छी बात है। तुला राशि वालों को बता दूं, दाम्पत्य जीवन में खुशियां,
ही खुशियां रहेगी। आज ऐसे ही प्रतिदिन रहना चाहिए। जिस घर में दाम्पत्य सुख हो, जहां दाम्पत्य प्रेम बना रहता है, ऐसे ही स्थान पर माता लक्ष्मी का वास रहता है। और वृश्चिक राशि वाले, मैं आपको बताना चाहूं, जो पैसे आपके डूब गए थे, आशा छोड़ दी थी ये पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा, संभवतः आपने सहयोग स्वरूप ही उन्हें दिया था, किसी भी कारणवश वो नहीं मिल पा रहा था, वो आज आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसी ही आपकी सुई इशारा कर रही है भाग्य की। धनुराशि वाले को बताना चाहूं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, विशेषकर वैसे जातक जो अध्ययन स्टूडेंट है, अध्यापक है, आपको अपने क्षेत्र में लाभ मिलनी है। मकर राशि वालों को सुझाव देना चाहूंगा, आज माता को थोड़ा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता का आशीर्वाद सदैव रहता है, मांगे ना मांगे, किंतु थोड़ी विशेष रूप से यदि आप करते हैं, देखेंगे कुछ विशेष कार्य आपके होने हैं। आप तो प्रसन्नचित होंगे, आप देखिए आपकी माता कितनी प्रसन्नता होती है आपकी खुशी के कारण। और कुंभ राशि वालों को बताऊं, भाइयों के सहयोग से सफलता मिलेगी। भाइयों का सहयोग ले, जो योजना बनाई है, जो कार्य करने वाले हैं, उसमें भाइयों का भी थोड़ी सहभागिता हो, आप देखेंगे आपके कार्य सुंदर ढंग से सिद्ध हो जाएंगे। अंतिम राशि मीन राशि वालों को बताऊं, निवेश से लाभ। यदि आप कोई निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे, निवेश किया जा सकता है, इसका लाभ उठाएं। तो ये 12 राशि की चर्चा हो गई, पंचांग की चर्चा हो गई। जाने से पूर्व पुनः आपको स्मरण कराऊं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर तो आप कर ही रहे हैं प्रियजनों को, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। कल पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ या कल के राशिफल के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, ऊर्जावान रहिए। हरिओम तत्सत।